हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा। एडजस्टमेंट के बाद है दोस्तों EQ। EQ का ऑप्शन है जहां पर आप आपकी वीडियो का आवाज, आपकी वीडियो में जो साउंड इफेक्ट से उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को ट्रिम करता हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द समझा सकूँ। तो दोस्तों ये है 4 सेकंड की वीडियो, और इसको टच करके हम फिर से अभी एडजस्टमेंट के नीचे जो EQ है उसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पर है हमारा नॉर्मल साउंड। तो दोस्तों नॉर्मल साउंड के नीचे है AM रेडियो। तो नॉर्मल साउंड हमारा किस तरह का है देखते हैं। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, EQ में हमें AM रेडियो। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, दोस्तों आज के वक्त में भारत बेस। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, दोस्तों आज के वक्त में भारत यहां पर बेस दिखाया नहीं है। दोस्तों जब आप म्यूजिक ऐड करते हो, अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट्स ऐड करते हो, तो दोस्तों इन चीजों का बहुत ही खास मतलब होता है आपकी वीडियो को स्पेशल बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप बेस ऐड करते हो, AM रेडियो ऐड करते हो, तो रेडियो की तरह आवाज आएगा, लेकिन इसके लिए आपको हेडफोन का इस्तेमाल करना चाहिए। जो व्यूवर्स हेडफोन के इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप आपकी वीडियो में म्यूजिक ऐड करते हो, तो दोस्तों इस तरह के EQ इफेक्ट्स आप आपकी साउंड में दे सकते हो, जिससे वीडियो बेहतर बन सकती है। और अगर कोई इंसान एयरफोन लगाकर वीडियो सुनता है, तो दोस्तों उसे आसानी से इन बेस बूस्टर, बेस रिडक्सर, हिप हॉप, जैज, नेचुरल पॉप, इस तरह के रॉक, इस तरह के वीडियोस का आसानी से पता लग जाएगा और इनमें का डिफरेंस वो समझ जाएगा।